Hi, friends, welcome to the exams made simple. We are back with the PIB news for 24 January. So, uh, I couldn't uh, release the uh, news on time since I wasn't well, and moreover, I have brought the PIB in a new form. So, if you like this, please give your feedback in the comment section. एंड लेट्सार्ट विथ इट सो ये प्रेसिडेंट सेक्रेटेट वीपी पी एम ओ ये ज़्यादातर जो न्यूज़ रहती है उन्होंने क्या क्या बातें बोली उसके बारे में होती है सो नॉट इम्पॉर्टेंट एंड विल भी कवरिंग मैं आपको एक पहले आ, इंडेक्स में बता दूँ कि हम क्या क्या कवर करेंगे इसमें तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर ने नैशनल कॉन्फ्रेंस किया था ऑन एग्रीकल्चर फॉर ज़ायद टू थाउजेंड नाइनटीन देन वील बी सींग दक्सेसफुल फ्लाइट ऑफ एल आर एस ए एम देन टेस्ट एंड क्लेरिफिकेशन एजेंसी क्लियर्स बायोजेट फ्यूल तो बायोजेट फ्यूल के ऊपर न्यूज़ थी आई एन एस को हाशा के ऊपर न्यूज़ थी ये डिस्कस कर चुके हैं लेकिन मैं फिर से आपके साथ डिस्कस करूंगी देन निगरानी निरीक्षण एंड नाकाबंदी तो वी वॉन्ट बी डिस्कसिंग इज ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये सी विजिल जो एक एक्सरसाइज हुई थी उसके ऊपर ये न्यूज़ आइटम था सो वी हैव डिस्कसडेट एंड नेक्स्ट एन ने न्यू टेक्नोलॉजीज़ कॉन्क्लेव किया था उसके बारे में देखेंगे दैन झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल देख चु हम पढ़ चुके हैं फिर से एक बार देखेंगे ई कोर्ट सर्विसेज थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर एंड डी ए वाई एन आर एल एम दीनदयाल अंत्योदय योजना के बारे में एक बहुत अच्छा आर्टिकल ये पूरा बहुत अच्छी न्यूज़ थी वो देखेंगे और टेक्नोलॉजी मिशन सेंटर ऑन सोलर एनर्जी एंड गाइडलाइंस टू स्ट्रेंदन जन शिक्षण संस्थान ये सारी चीज़ें देखेंगे लेट स्टार्ट विथ इट और उससे पहले आपके लिए कुछ क्वेश्चन हैं यू है आंसर एम इन द कमेंट सेक्शन सबसे पहले बताना है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का हेडकोार्टर का नाम क्या है एंड वेयर इट इज हेड क्वार्ट ऑफ

थ्री पर्सनैलिटीज ये आज आजी की न्यूज थी सो यू हैव टू टेल मी ओके नाउ लेट्स स्टार्ट सो सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर जाय टू थाउजेंड नाइनटीन तो एग्रीकल्चर uh, के बारे में वेल, फार्मर वेलफेयर के बारे में ही सारे इशूज थे इसमें uh, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे और स्कीम्स के बारे में बताया गया था वील सीड क्विकली सो फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर कि इंडिया का जो नेट सोन एरिया है एन एस ए इट इज़ वन फोर्टी वन मिलियन हैक्टेयर वन फोर्टी वन मिलियन हैक्टेयर इसमें से केवल फोर्टी फाइव परसेंट इरीगेटेड है ठीक है तो मैगजिमम एरिया क्योंकि इरीगेटेड नहीं है तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा <coughs> uh, प्रॉफ़िट नहीं होते हैं यूज एफिशिएंसी ताकि वेस्टेज ऑफ वाटर कम हो फिर प्रिसीजन इरिगेशन माइक्रो इरिगेशन का यूज़ करना स्प्रिंकलर्स एंड ड्रिप ड्रिप इरिगेशन फिर वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज लाइक मोर क्रॉप पर ड्रॉप ठीक है तो ज़्यादा मतलब एरिया में ज़्यादा फसल को कम पानी में ही इरिगेशन हो जाए ठीक है एक्विफर्स का यूज़ करना कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस ठीक है और टू थाउजेंड सेवेंटीन एटीन में एडवांस एस्टिमेट्स आए थे कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन भी हुआ था फूड ग्रेन्स का फिर इनिशिएटिव्स uh, अभी लिए जाने हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा तो जैसे कि क्रॉप रेसिड्यू बर्न किया जाता है तो उसमें uh, एयर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है खासकर नॉर्दर्न स्टेट्स में लाइक पंजाब हरियाणा तो उसको कैसे मैनेज किया जाए फिर एम फिक्स करना इसके बारे में आ, आ, पहले बजट में भी बोल चुके हैं कि वन पॉइंट फाइव टाइम्स द प्रोडक्शन कॉस्ट तो ये किया भी गया था फिर ऑपरेशन ग्रीन टॉप uh, के लिए यानी टोमेटो अनियन और पोटैटोस के लिए ऑपरेशन ग्रीन नेशनल बैम्बू मिशन किसान क्रेडिट कार्ड्स फॉर एनिमल हजबेंड्री फार्मर्स ठीक है ये सारे अभी इनिशिएटिव्स uh, इस मिनिस्ट्री द्वारा के... और आई एन एस कोहासा तो नेवल एयर स्टेशन शिपुर में इसे कमीशन किया गया है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में मेनली सर्वेलेंस के लिए और आई एन एस कोहासा जो है इसके अंडर आती है यानी कि अंडमान और अंडमान एंड निकोबार कमांड जो है उसके अंडर ये सारी चीज़ें आती हैं और इन सब के लिए अब इन एयरक्राफ्ट का यूज़ किया जाएगा जो कि आई एन एस कोहासा, कोहासा में है ओके अब एन आई सी ने टेक्नोलॉजी इनक्लेव किया था एन आई सी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दी इंफॉर्मेटिक्स रिलेटेड टू इंडिया और ये मीटी की ही अंडर आती है एन और इस कॉन्क्लेव की थीम थी टेक्नोलॉजीज फॉर नेक्स्ट जेन गवर्नेंस तो यहाँ आर्टिफिशियल बिग डेटा इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया था अब कहते हैं कि डेटा इज़ नेक्स्ट ऑयल की पहले जितना तो ऑयल इम्पॉर्टेंट था उतना डेटा है इम्पॉर्टेंट तो उसके बारे में उसका इम्पोर्टेंस बताने के लिए कॉन्क्लेव था और इसको टी यानी टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है एन का उसने ऑर्गेनाइज किया था टू हेल्प द सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स कीप बेस्ट ऑफ़ टेक्नोलॉजिकल advancements एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन व्यू ऑफ द रैपिड advancements इन आई टी तो जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी uh, में नए एडवांसमेंट्स आ रहे हैं जल्द बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है टेक्नोलॉजी तो उसके उसके इम्पोर्टेंस और उन सब टेक्नोलॉजीज के बारे में बताने के लिए बिग uh, डेटा ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजीज हैं इनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है तो इसके लिए ये कॉन्क्लेव हुआ था देन ई कोर्ट सर्विसेज थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर्स तो ई जो कोर्ट के पूरी केस की इन्फॉर्मेशन रहती है कि प्रोसीडिंग्स के बारे में डिसीजंस, केस रजिस्ट्रेशन केस का क्या स्टेटस है फ़ाइनल जजमेंट क्या आया तो उसके लिए सारे जितने कोर्ट्स हैं हाई कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स सबॉर्डिनेट कोर्ट्स उनको पूरा कंप्यूटराइज किया गया है इसके बाद इसका पोर्टल ऑलरेडी बना हुआ है आप विजिट कर सकते हैं अब ये अवेलेबल होगा कॉमन जा सके ओके और इससे झारखंड को ये भी फ़ायदा मिलेगा कि वो फिल्मिंग डेस्टिनेशन और टूरिज़म जो है यहाँ का वो बढ़ेगा ठीक है तो पहले भी झारखंड काफ़ी मतलब फिल्म मेकर्स यहाँ पे काफ़ी शूट किए हैं सत्यजीत रे और ऋत्विक घातक जैसे फिल्म मेकर्स तो यहाँ पे अब फिर से एक झारखंड की स्टेट फिल्म पॉलिसी आई थी 2015 में और उसी के लिए अब फिल्म मेकर्स में ये अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है जिनके अंदर पोटेंशियल है फिल्म मेकिंग का ठीक है और इसके अलावा झारखंड को स्टेट एंड फोकस भी चूज़ किया गया था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ़ इंडिया ने किया था इसको चूज़ 2018 में ही ठीक है तो आई एफ एफ आई जो है ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ़ इंडिया ये नाइनटीन फिफ्टी टू से शुरू हुआ है और सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिल्म फेस्टिवल है एशिया का और दो हज़ार चार से इसका जो परमानेंट वेन्यू है वो गोवा कर दिया गया है और इसे ग्लोबली कॉम्पिटेटिव बनाया गया है तो जो पूरी ग्लोबली इंटरनेशनल फिल्म वगैरह भी जो रहती हैं उनको यहाँ पे कॉम्पिटिटिव तरीके से यहाँ पे शो किया जाता है सो so, याद रखिएगा ये अब डी ए वाई एन आर एल एम ये मैंने कहा था कि काफ़ी अच्छा आर्टिकल आया प्लीज़ इसे आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा इसमें आपका पूरा एक मेंस का क्वेश्चन स्टार पूरा तैयार हो सकता है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन ने आ, क्या किया है अभी तक उसकी प्रोग्रेस क्या रही है और उसका इम्पॉर्टेंस क्या रहा है तो इसका इसका जो एम है वो यही है कि रूरल पॉवर्टी को हटाया जाए बाय लाइवलीहुड डाइवर्सिके डन तो सस्टेनेबल लाइवलीहुड मिले लोगों को उनकी स्किल्स डेवलप हो और उनको ज़्यादा फाइनेंस वगैरह मिल सके पब्लिक सेक्टर से भी प्राइवेट सेक्टर से भी ये इसका एम है अब क्या प्रोग्रेस रही है ये देख लेते हैं 2014 से 2018 तक तो आप इन पॉइंट्स को एक बार रिवाइज़ भी कर लीजिएगा सबसे पहले मिशन फुटप्रिंट बढ़ा है ज़्यादा एरिया कवर हो रहा है फिर कम्युनि कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग सेल्फ़ हेल्प ग्रुप्स बने हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का और फाइनेंशियल सर्विसेज ज़्यादा लोगों को मिली है जो सेल्फ़ हेल्प ग्रुप के लोग होते हैं उनको बैंक करस्पोंडेंट की तरह डिप्लॉय किया जा रहा था जो कि लास्ट माइल तक पूरी फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहे थे जैसे डिपॉजिट क्रेडिटिंग पेंशन मनरेगा वेजेस ठीक है और महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना इसके अंदर स्टार्ट हुई थी खासकर विमेन फार्मर्स के लिए फिर वैल्यू चेन एडिशन भी इसमें काफी ज्यादा इनसे हुआ था कम्युनिटी लाइवलीहुड प्रोफेशनल्स बनाए गए थे ट्रेन किए गए थे जिनको फाइनेंशियल सर्विसेज बुक कीपिंग के बारे में सिखाया गया था फिर स्टार्टअप विलेज ऑनटरप्रिनरशिप प्रोग्राम भी इसमें प्रमोट हुआ था एस प्लीज इसे याद रखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है तो इसका एम जो था वो था कि जो रूरल स्टार्टअप्स होते हैं जो कि <clears throat> रूरल स्टार्टअप जो होते हैं जो नॉन फार्म और ऑफ फार्म सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनको प्रमोट करना ठीक है ताकि उनका बिजनेस मैनेजमेंट बढ़े और उनको लोन्स वग़ैरह इजीली मिल जाए ये भी एनआरएलएम ने करवाया था प्रमोट करा था एसवीपी के थ्रू फिर आजीविका ऑब्वियसली बनाना है अगर लाइवलीहुड बढ़ाना है तो ये सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए तो आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना याद रखेगा रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को बढ़ाने के लिए था रिमोट रूरल विलेजेस से कनेक्ट करने के लिए ये भी एनआरएलएम के अंडर ही था ओके तो यही था इसके बारे में उसके बाद में अब कुछ टेक्नोलॉजी मिशन सेंटर्स लॉन्च हुए हैं चेन्नई में तो आईआईटी मद्रास में तीन इम्पोर्टेंट सेंटर्स ये लॉन्च किए जा रहे हैं आ, पहला है सोलर एनर्जी हार्नेसिंग सेंटर तो आ, और समझ में आ रहा है कि सोलर एनर्जी को हार्नेस करने के लिए यह रहेगा फिर दूसरा है वाटर आईसी फॉर सूत्रम ऑफ इजी वाटर ठीक है तो ये क्या चीज़ है वाटर आईसी यानी इनोवेशन सेंटर और सूत्रम इज एब्रीविएशन फॉर सस्टेनेबल ट्रीटमेंट यूज एंड मैनेजमेंट फॉर एफिशिएंट अफोर्डेबल एंड सिनाजिस्टिक सॉल्यूशन तो ये मेनली काय के लिए है वेस्ट वाटर के मैनेजमेंट के लिए वाटर ट्रीटमेंट के लिए तो एक सोलर एनर्जी से रिलेटेड था एक वेस्ट वाटर मैनेजमेंट और वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व वग़ैरह करने के लिए है और तीसरा सेंटर जो है वो है सोलर थर्मल डी सेनेशन के लिए आ, ताकि जो वाटर चैलेंजेस हैं कोस्टल विलेजेस में वहाँ पे जो पानी होता है वो काफ़ी ज़्यादा सलाइन हो जाता है ठीक है वहाँ पे नमक का कंटेंट ज़्यादा रहता है तो उससे डी कैसे किया जाए उसके लिए सेंटर बनेगा ये प्रॉब्लम जो अक्सर जाती है वो एरिड कोस्टल विलेजेस में जाती है जैसे कि बे ऑफ बंगाल के शोरस पे जो विलेजेस हैं वहाँ पे ठीक है तो ये सेंटर्स बनाए जाएंगे और बायोजेट फ्यूल हमने पहले ही देख लिया तो इसमें ये याद रखना कि इसको जो अप्रूवल मिला है वो सेमीलेक का मिला है ये सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्दिनेस एंड सर्टिफिकेशन करके ये एक सेंटर है और ये याद रखिएगा ये जो बायोजेट फ्यूल है इट विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स ऑफ जेट्रोफा प्लांट ठीक है जेट्रोफा प्लांट से सोर्स किया जाएगा और सेमीलैक के बारे में याद रखिएगा कोई भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जो कि इंडियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट को यूज़ करना होता है इंडियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट को ठीक है वेदर वो कोई आर्मी चला रही है या नेवी चला यूज़ कर रही है कोई भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर उसको क्लियर सेमीलैक ही करती है ठीक है बिफोर बींग इंडक्टेड फॉर रेगुलर यूज़ तो क्लियरेंस जो है वो जा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो बायोजेट फ्यूल को ये आ, मिल गया है तो अभी सिविल एयरक्राफ्ट्स भी यूज़ करेंगे मैं ऊपर आपको बता चुकी हूँ मिलिट्री और सिविल एयरक्राफ्ट दोनों के लिए रहेगा और इससे और फ़ायदा क्या होगा ये जो बायोजेट फ्यूल है इससे आ, इसके डिमांड इंक्रीज होने की वजह से जो इसमें यूज़ किया जा रहा है आ, ऑयल सीड्स वगैरह से जो ये एक्सट्रैक्ट किया जाएगा वो भी बढ़ेगा ठीक है इनक्रीज इन कलेक्शन ऑफ ट्री बॉर्न नॉन एडिबल ऑयल सीड्स जिसकी वजह से इनकम बढ़ेगी रेम्यूनरेशन बढ़ेगा किन का ट्री से आ रहा है तो ऑबियसली बातें कौन कलेक्ट करेंगे ट्राइबल मार्जिनल फार्मर्स ठीक है तो उनकी भी इनकम बढ़ेगी तो आ, ये बायोजेट फ्यूल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा फिर जन शिक्षण संस्थान के बारे में था और उनको एम्पावर करने के लिए नई गाइडलाइंस आई हैं और उनको अलाइन किया जा रहा है नेशनल स्किल क्वालिफ़िकेशन फ्रेमवर्क से तो एन एस क्यू एफ क्या है ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड फ्रेमवर्क है जो कि सारी क्वालिफ़िकेशन किसी भी पर्टिकुलर स्किल के लिए आपको क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए क्या किसी भी एप्टीट्यूड के लिए वो आपको एन एस क्यू एफ से पता चलता है और एन टू थाउजेंड थर्टीन में आया था और इसमें जो लर्नर है वो किसी भी तरीके की लर्निंग से भले उसकी फॉर्मल लर्निंग है इनफॉर्मल लर्निंग है उसको uh, अपनी लर्निंग का सर्टिफिकेशन मिल सकता है ठीक है तो इसके लिए रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे एम एस डी ई ने किए हैं ठीक है जन शिक्षण संस्थान के लिए और इट इज टू फर्दर स्ट्रेंदन दी स्किल्स Ecosystem benefiting those in the underprivileged sections of society. ठीक है तो जो अंडर प्रिविलेज सेक्शंस हैं उनकी स्किल्स को बढ़ाने के लिए और जेएसएस जो थे वो पहले एमएचआरडी में आते थे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में अब ये 2018 से एमएसडीई में ट्रांसफ़र कर दिए गए और ये ट्रेनिंग वही जो मैंने बताया सोशो इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो ग्रुप्स हैं और सेमी लिटरेट्स एस सीज एस टीज गर्ल्स स्लम डोलर्स इन सब की स्किल ट्रेनिंग के लिए ये जे रहते हैं तो अब जो नई गाइडलाइंस आई है उसमें एन से उनको अलाइन किया गया है जे के कोर्स को उसके पावर्स डिसेंट्रलाइज किए गए हैं ऑनलाइन सर्टिफिकेशन अवेलेबल है पोर्टल लॉन्च किया गया है ठीक है और जे एस स्कीम के अंडर आठ लाख से ज़्यादा लोग ट्रेन किए जा चुके उनको बेनिफिट मिला है पिछले पाँच सालों में और जेएसएस ने और क्या करवाया है प्रधानमंत्री जनधन योजना जो थी उसके अंडर एक लाख से ज़्यादा बैंक अकाउंट खुलवाए हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में साढ़े साढ़े सात लाख बेनिफिशरीज़ को एनरोल करवाया है तो काफ़ी ज़्यादा मतलब जो अंडर प्रिवलेज सेक्शन है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्पफुल रहा है जेएसएस तो ये चीज़ आप याद रखिएगा और जन शिक्षण संस्थान जो है ये 2000 में इनका ये नाम पड़ा था उसके पहले ये श्रमिक विद्यापीठ के नाम से जाने जाते थे और ये जो इनकी स्कीम है जन शिक्षण संस्थान की ये पिछले 50 साल से काफ़ी सक्सेसफुल रही है ओके तो यही था ट्वेंटी uh, फोर्थ की न्यूज़ जो थी आपको कैसी लगी आप प्लीज़ बताइएगा और uh, फिर हम उस तरीके से मॉडिफाई करेंगे अपने कंटेंट को थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज़ आंसर्स दीजिएगा एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे